वेलकम बैक टू माई चैनल. इन टुडेज़ वीडियो इज गोइंग टू बी अ रक्षाबंधन मेकअप लुक. सो आई हैव कम अप विद दिस लुक. इट्स न्यूट्रल ब्राउनी स्मोकी काइंड ऑफ अ लुक. इट्स प्रिटी ईजी एंड यू कैन वेयर वेरी कम्फर्टेबली एज वेल, बिकॉज मेरे घर में रक्षाबंधन बहुत बड़ा ऐसे सेलिब्रेशन नहीं होता, यू नो. सो आई कीप एवरी थिंग वेरी सिंपल बट ग्लैम एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स आर डे एंड यू कैन वेयर दिस आई लुक विथ एनी ऑफ योर आउटफिट. So yeah, if you want to know how I create this makeup look, then please keep on watching. ओके, फर्स्ट अप आई एम गोना मॉइस्चराइज माई फेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लें. सेट होने देंगे इसे फेस पर और तब तक हम पहले आई मेकअप कर लेते हैं, कंसील कर लेंगे आँखों को. सो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी. बहुत अच्छा कंसीलर है ये, इसीलिए ब्लेंड हो जाता है एंड कवरेज भी इसकी अच्छी है. तो दोनों आँखों की लिड पर लगाकर एक टाइम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. उसी ब्लेंडर पर हल्का सा पाउडर लेकर सेट कर लेंगे आँखों को. आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट मैं ले रही हूँ दिस ब्राउन शेड, बिकॉज दिस शेड गोज ऑन एवरी इंडियन स्किन टोन और ये शेड आपको किसी भी पैलेट पर आसानी से मिल जाएगा. सो डस्टिंग ऑल ओवर आर लिड, अपनी पूरी आईलिड पर ब्लेंड कर लूँगी और फिर उससे थोड़ा सा और डार्क शेड लेकर अपने आउटर वी पर प्लेस करें और फिर इसे ब्लेंड कर लेंगे. सो आई एम ब्लेंडिंग ऑन द क्रीज बट लिटिल टाइटली. वंस आई एम हैप्पी विद दैट आई एम गोना टेक अ जेल लाइनर. उप्स, गिर गया. सो एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हम विंक लाइनर क्रिएट करेंगे. इंस्टेड ऑफ जेल लाइनर आप काजल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिक्विड लाइनर भी लगा सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करें. सो यहाँ पर मैंने लिया है मेबेलिन का जेल लाइनर और इससे थिन लाइनर क्रिएट करने के बाद मैं लूँगी ब्लैक शेडो और सेम ब्रश की हेल्प से हम लाइनर को स्मज कर लेंगे. देन एक क्यू टिप की हेल्प से मैं विंग्ड को और क्लीन और शार्प कर लूँगी. ओके, आई मेकअप ऑलमोस्ट डन. लोअर लैश लाइन हम फेस मेकअप करने के बाद करेंगे. सो यहाँ पर मैंने लगाया है फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन और शेड है मेरा 128. डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी. देन टेकिंग द सेम कंसीलर एंड अप्लाइंग इट इन माई अंडर आई. ओके, सो सेट कर लेंगे फेस को. तो जो भी एरियाज मेरे ऑयली हो जाते हैं हल्के से, सिर्फ वहीं पर ही मैं लगा रही हूँ, दैट्स इट. एंड लूज पाउडर मैंने यूज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड मेबेलिन. ओके, लेट्स फिनिश आर लोअर लैश लाइन. सो आई एम यूजिंग द सेम शेड जो हमने ऊपर आइज पर यूज़ किया था एंड दोनों को मिक्स करके लैश लाइन पर लगा लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश. और अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर मेरे इनर कॉर्नर्स पर एंड देन कोडिंग माई लैशेज विथ मस्कारा. Coming to the face, so I'm using the blush from Sugar. It's really beautiful blush, guys. Maybe it's not catching in camera, but in person it looks very natural. And after that, I'm using highlighter from Wet n Wild. Face ke high points par laga lenge. And for my lips, I'm using these two lipsticks. So sabse pehle main use kar rahi hoon Nykaa liquid lipstick in the shade 19 Kashi. एंड नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड जॉयफुल. वन मोर टिप, अगर आप भी मेरी तरह रेगुलर वेयर में कोई भी ज्वेलरी पीसेस नहीं वेयर करते हैं, सो डेफिनेटली पुट सम ज्वेलरी लाइक इयर रिंग्स या नेक में कुछ डाल लिया, या फिर आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग वेयर कर सकते हैं. इट डेफिनेटली मेक अ मेजर डिफरेंस. Okay guys, so that is it for today's video. I hope you found this video helpful and if you did, then like this video, subscribe if you have not already, and yeah, thanks for watching.